गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक से होंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फिल्ट्रेशन के बारे में बात की कि ये एक अलग यूनिट है फिल्ट्रेशन, ये होता क्या है, इसके प्रोसेस के बारे में जाना। फिर हम लोगों ने फिल्ट्रेशन और क्लैरिफिकेशन में थोड़ा सा डिफरेंस जाना कि फिल्ट्रेशन क्या होता है, क्लैरिफिकेशन क्या होते हैं। फिर धीरे धीरे हम बढ़ते चले गए कि कौन कौन से क्या कहते हैं जो मीडियम हैं जिसके थ्रू कोई भी चीज़ को हम फिल्टर कर सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने फिल्टर मीडियम की बात की, उनके पोर साइज़ के बारे में बात की। फिर कुछ टेक्निकल टर्म्स के बारे में याद किया कि स्लरी क्या होती है, फिल्ट्रेट क्या होता है, फिल्टर मीडियम क्या होता है, ये टेक्निकल टर्म्स के बारे में हम लोगों ने पता किया। फिर हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ फिल्ट्रेशन इसके बारे में पता करने लग गए कि अब चूंकि हम फार्मेसी के बारे में बात कर रहे हैं तो वैसे तो फिल्ट्रेशन तो एक ऐसा प्रोसेस है जो ऑल ओवर हर जगह यूज़ ही किया जाता है, बट हम इस चैप्टर के हिसाब से थोड़ा फार्मास्यूटिकल टर्म्स को ही याद करेंगे। तो हमने ये भी पता किया कि एप्लीकेशंस ऑफ फिल्ट्रेशन एंड फार्मास्यूटिकल्स कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, प्रोडक्शन प्लांट में, हेपा फिल्टर, पानी की प्योरीफिकेशंस में, है ना, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो सब चीज़ों में हम लोगों ने फिल्ट्रेशन के बारे में पता किया। अब आज का जो मेरा लेक्चर है या जो टॉपिक है, इसमें मैं आप लोगों को टाइप्स ऑफ फिल्ट्रेशन के बारे में बताऊंगा कि फिल्ट्रेशन कितने कितने तरीके के होते हैं। उसके बाद उन दोनों को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने की कोशिश करूंगा कि इसमें और इसमें कौन बेहतर कौन नहीं बेहतर, क्या हो रहा है उसमें, क्या हो रहा है उसमें, क्या हो रहा है। उसके बाद तीन चार थोड़े लॉज हैं जो एग्ज़ाम्स में आमतौर पर पूछे भी जाते हैं आप लोगों से, पॉइजल्स लॉ, स्टॉक्स लॉ, डार्सेज लॉ वगैरह वगैरह। तो इन सब के बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे कि इन लॉज का फिल्ट्रेशन थ्योरी पे क्या प्रभाव है, मतलब इनके होने से क्या है, क्या काम हो रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं अपने आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। पहला आप टॉपिक देख लीजिए, आज की स्लाइड जो आ रही है, टाइप्स ऑफ फिल्ट्रेशन, ये क्या कह रही है। फिल्ट्रेशन आर ऑफ टू टाइप्स, सबसे पहला है आपका सरफेस और स्क्रीन फिल्ट्रेशन, एंड द सेकेंड वन इज डेप्थ फिल्ट्रेशन। अब व्हाट इज सरफेस फिल्ट्रेशन, सरफेस या स्क्रीन फिल्ट्रेशन क्या है, नाम से ही समझ में आ रहा है, स्क्रीन यानी कि एक छन्नी मैश, उसके थ्रू किसी भी सॉल्यूशन को आप फिल्टर कर रहे होंगे, स्क्रीन यानी छन्नी। अब छन्नी आप लोगों ने, सब लोगों ने देख रखी है कि उसके पोर साइज होते हैं, पोर्स होते हैं, अलग अलग तरीके की छन्नियां होती हैं, किसी का पोर साइज बड़ा होता है, किसी का पोर साइज छोटा होता है। तो सॉरी, तो हम अकॉर्डिंग टू पोर साइज ही इसको पता कर रहे हैं कि व्हाट इज स्क्रीन फिल्ट्रेशन। सो देखिए जरा इसके बारे में, फर्स्ट पॉइंट, इट इज ए स्क्रीनिंग एक्शन बाय विच पोर्स और होल्स ऑफ मीडियम प्रिवेंट द पासेज ऑफ सॉलिड। ठीक है, मैकेनिज्म इन्वॉल्व स्ट्रेनिंग एंड इम्पिगमेंट, फॉर दिस प्लेट्स विद होल्स और वोवन सीव्स आर यूज्ड। Efficiency is defined in terms of mean or maximum pore size. तो जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी स्टार्टिंग में ही बता दिया था, स्क्रीन यानी कि इसमें क्या होती है, एक छन्नी होती है, मैस होती है, और ये जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है अकॉर्डिंग टू स्क्रीन फिल्ट्रेशन, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उस छन्नी का, उस प्लेट का या उस स्क्रीन का पोर साइज कितना बड़ा है, कितना छोटा है। अगर पोर साइज छोटा होगा तो स्लरी बनने के चांसेस जो होंगे वो ज्यादा होंगे, और पोर साइज अगर बड़ा होगा तो स्लरी बनने के चांसेस कम होंगे। स्लरी यानी कि क्या, जो सॉलिड पार्ट है किसी भी सॉल्यूशन का, उसको जो ऊपर एक, आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि फिल्टर मीडियम के ऊपर एक जो लेयर बन जाती है सॉलिड पार्टिकल्स की, एक केक बन जाता है, उसको हम कहते हैं स्लरी। तो जाहिर सी बात है, अगर किसी भी मैश का, स्क्रीन का, छन्नी का पोर साइज अगर छोटा होगा तो क्या होगा, लिक्विड लिक्विड तो पास हो जाएगा पोर साइज से, पर जो पार्टिकल्स हैं, सॉलिड पार्ट जो है, वो एक स्लरी में कन्वर्ट हो जाएगा, एक लेयर बना देगा उस छन्नी के ऊपर, और ये होता है सब स्क्रीन फिल्ट्रेशन में। इसमें जो मैकेनिज्म इन्वॉल्व होती है वो स्ट्रेनिंग एंड इम्पिगमेंट है, जो मैंने पहले भी आपको बताया है। अच्छा, फॉर दिस प्लेट्स विद होल्स और वोवन सीव्स आर यूज्ड। वोवन क्लॉथ होता है, वोवन एक छन्नीदार एक कपड़ा होता है, या तो आप उसको यूज कर सकते हो प्लेन सरफेस के तरीके से, या एक प्लेट, और प्लेट के ऊपर अगर आप छन्नी लगा दीजिए, तो मैं वही बात कर रहा हूँ, स्क्रीन फिल्ट्रेशन है ये, ठीक है ना। और इसमें फिल्ट्रेशन की एफिशिएंसी इस बात पे बात नापी जाती है कि पोर साइज कितना मैक्सिमम या कितना मिनिमम है। तो इसीलिए कह रहा है कि एफिशिएंसी इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ मीन और मैक्सिमम पोर साइज। तो जाहिर सी बात है
कि स्क्रीन फिल्ट्रेशन के अंदर क्या हो रहा होगा कि अगर पोर साइज छन्नी का, मैश का या वोवन क्लॉथ मटेरियल का अगर पोर साइज छोटा है तो स्लरी ज्यादा बन रही होगी, फिल्ट्रेशन उतना ही बेहतर हो रहा होगा। और अगर होल साइज अगर बड़ा है छन्नी का तो क्या हो रहा होगा, तुरंत के तुरंत फिल्टर हो जा रहा होगा, केक नहीं बन रहा होगा, तो सॉलिड पार्टिकल्स भी पानी के साथ फ्लो कर जा रहे होंगे, ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं स्क्रीन फिल्ट्रेशन। अब दूसरा है डेप्थ फिल्ट्रेशन, ये क्या हो रहा है। इन दिस स्लरी पेनिट्रेट्स टू ए पॉइंट वेयर द डायमीटर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इज ग्रेटर देन दैट ऑफ टॉर्शियस वॉइड और चैनल। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें जो छन्नी होती है, छन्नी में, छन्नी के अंदर तक जो पार्टिकल्स हैं वो पेनिट्रेट कर जाते हैं, अंदर तक घुस जाते हैं, जबकि स्क्रीन के अंदर क्या हो रहा था, ऊपर ऊपर की तरीके ऊपर ऊपर ही रुक जा रहे थे, इसमें पेनिट्रेट कर जा रहे हैं, इसीलिए इसको कहा गया है डेप्थ फिल्ट्रेशन, ठीक है ना। मैकेनिज्म इसके अंदर क्या है, एंटेंगलमेंट, यानी कि पार्टिकल्स अंदर जब डेप्थ तक घुस जाते हैं, स्क्रीन के अंदर तक चले जाते हैं मैस या वोवेन मटेरियल्स के, उसमें तो आपस में एक दूसरे के साथ इकट्ठे हो जाते हैं, एकोमुलेट हो जाते हैं, ठीक है ना। द सॉलिड्स आर रिटेन्ड विद ए ग्रेडियंट डेंसिटी स्ट्रक्चर बाय फिजिकल रिस्ट्रिक्शन और बाय एडसॉर्प्शन प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम। तो देखिए फिगर के हिसाब से भी दिखाने की यही कोशिश की जा रही है कि देखिए पहला वाला अगर आप देखिए स्क्रीन फिल्ट्रेशन के उसमें, तो नीचे वाला आपका ये देखिए मीडियम है, यानी कि वो मीडियम का मतलब समझ में आ रहा है आपको कि कोई फिल्टर पेपर है या मैस है, छन्नी है, वोवन मटेरियल है, और ऊपर देखिए जिसकी मैं बात कर रहा हूँ केक यानी स्लरी ऊपर के ऊपर ही इकट्ठी हो जा रही है, ठीक है ना, उसकी सरफेस पे, इसीलिए इसको कहा गया स्क्रीन फिल्ट्रेशन। और ऊपर क्या है, जो एरो है सस्पेंशन, यानी कि सस्पेंशन का मतलब क्या है, वो कोलाइडल पार्टिकल्स का एक पूरा इकट्ठा वो होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिक्स कर रहे हैं, ठीक है ना। डेप्थ फिल्ट्रेशन के केस में क्या हो रहा है, देखिए अगर आपने किसी सस्पेंशन को डाला, ये जो लाइन देख रहे हैं आप, ये एक फिल्टर मीडियम है, तो इसमें क्या हो रहा है, अंदर अंदर की तरफ पार्टिकल्स पेनिट्रेट कर जा रहे हैं, अंदर घुस जा रहे हैं, और वहां पे जाके ये एकुमुलेट हो रहे हैं, इकट्ठे हो जा रहे हैं, इसीलिए मैकेनिज्म इसके अंदर जो हो रही है वो एंटेंगलमेंट इन्वॉल्व हो रही है। तो इस फिगर के हिसाब से भी आप समझ सकते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सरफेस स्क्रीन फिल्ट्रेशन एंड व्हाट इज डेप्थ फिल्ट्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ता हूं। डिफरेंस बिटवीन सरफेस एंड डेप्थ फिल्ट्रेशन, देखिए ये थोड़े से पॉइंट्स आप लोग को और थोड़ा सा बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि व्हाट इज सरफेस फिल्ट्रेशन एंड व्हाट इज डेप्थ फिल्ट्रेशन, और कौन बेहतर कौन नहीं बेहतर, ठीक है। तो सरफेस फिल्ट्रेशन के बारे में फर्स्ट पॉइंट देखिए, द साइज ऑफ पार्टिकल्स रिटेन्ड इज स्लाइटली हायर देन मीन पोर साइज ऑफ मीडियम, जबकि डेप्थ फिल्ट्रेशन के केस में क्या है, द साइज ऑफ पार्टिकल्स रिटेन्ड इज मच स्मॉलर देन द मीन पोर साइज ऑफ द मीडियम। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, यही बात यहां पे भी कह दे रहा है वो। सेकंड पॉइंट है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ फिल्टर मीडियम इज लेस अनलेस इट इज मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील। तो नाम, अब इसमें थोड़ा सा एक बात और समझ में आ रही है कि जो स्क्रीन फिल्ट्रेशन या सरफेस फिल्ट्रेशन के बारे में बात है, इसमें जो आप फिल्टर मीडियम यूज करेंगे वो इतना हल्का ना यूज करके आप ऐसा यूज करिए कि उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी हो, इसलिए कहा गया है कि वो स्टेनलेस स्टील से बना होना चाहिए, क्योंकि क्या है, जो स्लरी है वो तो इसकी सरफेस के ऊपर ही बन रही है ना। अब अगर मान लीजिए कोई कागज के ऊपर, अगर आप कागज को एक फिल्टर मीडियम के तरीके से यूज कर रहे हैं या फिल्टर पेपर को, नॉर्मली ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर को यूज कर रहे हैं, तो स्लरी क्या है, पहले तो इकट्ठा हो जाएगी लेकिन उसके अंदर तो पानी भी है, क्या होगा, फट जाएगा। तो इसीलिए ऐसा मीडियम को आप यूज करें जिसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज्यादा हो। अब जरा डेप्थ फिल्ट्रेशन का केस देख लीजिए, मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ फिल्टर मीडियम इज हाई, ठीक है ना। सॉरी, फिर सरफेस फिल्ट्रेशन का केस और देख लीजिए, थर्ड पॉइंट जो कह रहा है, इट हैज लो कैपेसिटी, जबकि डेप्थ फिल्ट्रेशन के केस में क्या है, इट हैज हाई कैपेसिटी। फोर्थ पॉइंट इज, द साइज ऑफ पार्टिकल्स रिटेन्ड इज मोर प्रेडिक्टेबल, जबकि डेप्थ फिल्ट्रेशन के केस में क्या है, द साइज ऑफ पार्टिकल्स रिटेन्ड इज लेस प्रेडिक्टेबल। मतलब सरफेस फिल्ट्रेशन के केस में आप पार्टिकल साइज को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कितने कितने साइज के पार्टिकल साइज आपको मिलने को देखने को मिल सकते हैं, जबकि डेप्थ फिल्ट्रेशन के केस में तो ऐसा है ही नहीं। फिफ्थ पॉइंट है आपका, इक्विपमेंट इज एक्सपेंसिव बिकॉज
एंसिलरी इक्विपमेंट सच एज एज क्लैम्प्स इज रिक्वायर्ड। इस तरीके के फिल्ट्रेशन को यूज़ करने के लिए जो इक्विपमेंट होते हैं वो थोड़े से महंगे होते हैं, ये एक थोड़ा सा इसका डिसएडवांटेज भी कह लीजिए इसको। और इसमें क्या है, डेप्थ फिल्ट्रेशन में इक्विपमेंट इज चीपर, जो इसमें इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं वो सस्ते होते हैं, बिकॉज एंसिलरी इक्विपमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि इसमें एंसिलरी इक्विपमेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसीलिए ये ऑटोमेटिकली जो इक्विपमेंट होता है वो सस्ता हो जाता है। एग्जाम्पल कहा गया है सरफेस फिल्ट्रेशन का, सेलुलोज मेम्ब्रेन फिल्टर, ठीक है ना। और डेप्थ फिल्ट्रेशन के केस में जो एग्जाम्पल है वो है सेरेमिक फिल्टर एंड सिंटर्ड फिल्टर। ये दोनों की दोनों चीजें आपको अपने कॉलेज में देखने को मिल जाएंगी जब हम प्रैक्टिकल्स करेंगे, जब हालात सही होने के बाद, या मैं बाद में भी आपको दिखा दूंगा, तो आप लोग आराम से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि सेलुलर मेम्ब्रेन फिल्टर कैसे दिखता है और सेरेमिक फिल्टर या सिंटर्ड ग्लास फिल्टर ये कैसे होते हैं। ओके, अब आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन किस थ्योरी पे बेस करता है, ये क्या है उसकी थ्योरी, तो इसको भी देख लीजिए। द फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू ए फिल्टर फॉलोज द बेसिक रूल्स दैट गवर्न्स द फ्लो ऑफ एनी लिक्विड थ्रू द मीडियम ऑफरिंग रेजिस्टेंस। द रेट ऑफ फ्लो मे बी एक्सप्रेस्ड एज रेट इज इक्वल टू ड्राइविंग फोर्स अपॉन रेजिस्टेंस। तो इस लॉ को आप लोग जरूर याद रखिएगा कि ये जो थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन में ये लॉ जरूर, या जो लाइन है, द रेट ऑफ फ्लो मे बी एक्सप्रेस्ड एज रेट इज इक्वल टू ड्राइविंग फोर्स अपॉन रेजिस्टेंस, यही एक थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन की जो बेसिक डेफिनेशन है उसमें कंसिडर होता है, जिसमें द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन मे बी एक्सप्रेस्ड एज वॉल्यूम इन लीटर्स पर यूनिट टाइम, और जिसको हमने मैथमेटिकल डेनोट कर दिया डीवी बाई डी टी। ड्राइविंग फोर्स क्या है, प्रेशर अपस्ट्रीम माइनस प्रेशर डाउनस्ट्रीम। तो जो ऊपर और नीचे के बीच का जो प्रेशर है उसको हमने कहा ड्राइविंग फोर्स। रेजिस्टेंस इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है ना, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि पार्टिकल्स कैसे कैसे हैं, ठीक है ना। इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द डिपोजिशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द फिल्टर मीडियम, देयरफॉर फिल्ट्रेशन इज नॉट ए स्टेडी स्टेट। और इसीलिए कह दिया गया कि फिल्ट्रेशन एक स्टेडी स्टेट नहीं है, ठीक है ना। द रेट ऑफ फ्लो विल बी ग्रेटर एट द बिगनिंग ऑफ फिल्ट्रेशन प्रोसेस सिंस द रेजिस्टेंस इज मिनिमम। तो आप लोगों ने जब फिल्टर किया भी है किसी भी चीज को, आप जब फिल्ट्रेशन प्रोसेस कर रखे हैं, तो आपको पता है कि स्टार्टिंग में किसी भी सॉल्यूशन को जब आप फिल्टर मीडियम के ऊपर डालते हैं फनल में लेके, जो हम लैब की स्केल की ही बात कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग में जो फिल्ट्रेशन होता है वो बड़ी जल्दी जल्दी होता है, लेकिन बाद में क्या होता है, जैसे जैसे डिपोजिशन होती है स्लरी की, स्लरी इकट्ठा होनी शुरू होती है, वैसे वैसे क्या होता है, फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे होना शुरू हो जाता है। और क्या होता है, सिंस रेजिस्टेंस इज मिनिमम, स्टार्टिंग में तो बहुत कम होती है और लास्ट वो मैक्सिमम होती है और लास्ट में आके बिल्कुल मिनिमम हो जाती है। आफ्टर फॉर्मिंग ए फिल्टर केक इट्स सरफेस एक्ट एज ए फिल्टर मीडियम एंड सॉलिड्स कंटिन्यूअसली डिपॉजिट एडिंग द थिकनेस ऑफ द केक। क्या हो रहा है लास्ट में, आप लोग को क्या देखने को मिलता है कि जितना जितना ज्यादा आप जब ये फिल्ट्रेशन का प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं, तो वैसे वैसे डिपोजिशन ऑफ केक जो जो है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ती चली जाती है और एक बेड लेयर बन जाती है। मतलब बेड लेयर का मतलब एक फ्लैट लेयर बन जाती है। आप लोग जब फिल्ट्रेशन करेंगे आप देख भी सकते हैं, नहीं तो अपने घरों में भी आप कर सकते हैं इस चीज़ को। आप चौक चौक लीजिएगा और पानी में डिजोल्व कर दीजिएगा और एक फिल्टर पेपर या फिल्टर मीडियम ले लीजिए, और फिल्ट्रेशन प्रोसेस जब आप कराएंगे, या वोवन क्लॉथ जो ये छन्नीदार कपड़े होते हैं, अगर आप फनल में लेके अगर इसको फिल्ट्रेशन करें, तो आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में जो फिल्ट्रेशन होता है वो बहुत तेज स्पीड से होता है, और बाद में धीरे धीरे जैसे डिपोजिशन ऑफ केक होगा, जो चॉक है, चॉक के जो पार्टिकल्स हैं वो इकट्ठे होने शुरू होंगे उस कपड़े पे या पर्टिकुलरली उस एरिया पे, तो धीरे धीरे फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे, जो पहले काफी तेज तेज ड्रॉप्स में आ रहा था, वो स्लोली 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 छोटी छोटी ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये फिगर एक दिखाने की कोशिश करी जा रही है कि फिल्ट्रेशन प्रोसेस पैरामीटर्स क्या हैं। पाउडर और ग्रेन्यूल बेड विजुअलाइज्ड एज ए बंडल ऑफ कैपिलरी। उसके बाद ये देखिए जो P1 दिया गया है, दैट इज द अपस्ट्रीम प्रेशर, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ का दिखा रहा है डाउन स्ट्रीम प्रेशर P2।
जो सरफेस जो लेंथ है उसको एल से डिनोट कर दिया गया, विस्कोसिटी जो उसका गाढ़ापन है उसको फ्लो रेट है मीटर क्यूब अपॉन यूनिट टाइम। ठीक है, तो ये तो कुछ मैथमेटिकल टर्म्स हैं, और ये थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन में यही सब चीजें आपको याद रखना है। लास्ट में ब्लू कलर की लाइन को जरा देख लीजिए, ये कह रहा है रेजिस्टेंस टू मूवमेंट इज इक्वल टू प्रेशर अपस्ट्रीम माइनस प्रेशर डाउनस्ट्रीम अपॉन लेंथ ऑफ द कैपिलरी। तो ओवरऑल यही थी आपकी थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन। अब आप लोग को इसको याद करना है, मैं अभी जब नोट्स है, अभी जब अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा या अभी जो आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, तो ये नोट्स मैं अभी गूगल क्लासरूम में अटैच कर दूंगा, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। और आज का लास्ट जो टॉपिक है वो है पॉइजन्स इक्वेशन। ये पॉइजन इक्वेशंस है, यही इक्वेशन इंपॉर्टेंट भी है, आपके एग्जाम्स में भी पूछी जाती है, और फिल्ट्रेशन थ्योरी पे ये बहुत अच्छे से काम करती है। हमारे समय से ही हम लोग देखते आ रहे हैं कि एग्जामिनेशंस में ये अक्सर पूछा ही जाता है, पॉइजन इक्वेशन क्या है, किस चीज में यूज किया जाता है। ठीक है ना। सो फर्स्ट पॉइंट देखिए, पॉइजन कंसीडर्ड दैट, पॉइजन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही ये पॉइजन इक्वेशन बनाई। ठीक है ना, उन्होंने बताया कि पॉइजन्स कंसीडर्ड दैट फिल्ट्रेशन इज सिमिलर टू द स्ट्रीम लाइन फ्लो ऑफ लिक्विड अंडर प्रेशर थ्रू कैपिलरीज। उन्होंने जो प्रैक्टिकल ये फिल्ट्रेशन का किया वो कैपिलरीज के थ्रू किया। अब कैपिलरी आप लोग को पता भी होगा, ये पतली पतली सी क्या होती हैं, ग्लास ट्यूब्स होती हैं, बहुत पतली पतली ग्लास ट्यूब होती हैं। और पतली पतली ग्लास ट्यूब्स में अगर आप लोगों ने प्रैक्टिकल करके देखा हो, तो उसमें क्या होता है, कैपिलरी एक्शन की वजह से अगर आप इनको पानी के अंदर रख दीजिए या किसी भी चीज के अंदर रख दीजिए, तो कैपिलरी एक्शन होता है, एक कैपिलरी प्रोसेस होता है, जिससे कोई भी चीज, कोई भी पार्टिकल या कोई भी लिक्विड नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ने लग जाती है, और इसी को हम कहते हैं कैपिलरी एक्शन। और ये जो डिवाइस या जो इक्विपमेंट या जो सामान उसके लिए यूज किया जाता है, उसको कहते हैं कैपिलरी ट्यूब्स या कैपिलरीज। बड़ी पतली पतली ट्यूब्स होती हैं, हमारे लैब में बहुत सारी अवेलेबल हैं, आप लोग उनको देख लीजिएगा या मैं ही दिखा दूंगा आप लोगों को। ठीक है ना। ये कह रहा है, आप देखिए पॉइजन इक्वेशंस क्या कह रहा है। पॉइजन इक्वेशन इज वी इज इक्वल टू पाई डेल्टा पी आर की पावर 4/8 L न्यू, सॉरी रो। ठीक है ना, वेयर वी इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो इन मीटर क्यूब पर सेकेंड, डेल्टा पी इज इक्वल टू प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द फिल्टर जिसको पी ए कहा गया, आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कैपिलरी इन द फिल्टर बेड इन मीटर, एल इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ फिल्टर केक जिसको हमने कह दिया कैपिलरी लेंथ इन मीटर, एंड रो रो इज द विस्कोसिटी ऑफ फिल्ट्रेट जिसको हमने, जिसी की हम पास्कल सेकेंड के बारे में बात कर रहे हैं। इफ द केक इज कंपोज्ड ऑफ बल्की मास ऑफ पार्टिकल्स एंड द लिक्विड फ्लो थ्रू द इंटरस्टिक, देन फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू दीज मे बी एक्सप्रेस्ड बाई दिस इक्वेशन। तो आज हम लोगों ने पॉइजन्स तक जाना, कल जब हम आएंगे तो डार्सेज इक्वेशंस के बारे में और आगे की जो इक्वेशंस हैं उनके बारे में जिक्र करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। इस लेक्चर के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग गूगल क्लासरूम में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। नोट्स अभी मैं अटैच कर देता हूँ पीडीएफ फॉर्मेट में, आप लोग उसको भी देख सकते हैं, और अपने नोट्स बनाते रहिए। थैंक यू।